देखिए अभी कुछ नहीं, चलिए आपको पीछे हटिए। कहाँ है वो? अंदर है सर। सेम पैटर्न। हाँ सर। ए, सबसे पहले किसने देखा था? ए, दूध वाले इधर आ। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। कितने बजे देखा? साहब 5:30 बजे सुबह उठकर दूध बेचता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, 6:30 बज गए थे। हमेशा दूध का बर्तन बाहर होता है, आज नहीं था इसलिए मैं अंदर गया तो देखा वो मरी हुई थी। रोना बंद कर, ये बताओ अंदर कितने लोग रहते हैं? वो औरत थी, उसका पति था, एक नया सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया, कुल मिलाकर 3 लोग रहते हैं। ठीक है, तू साइड में खड़ा हो जा। सारे रूम चेक कर लिए? चेक कर लिया सर। टेरेस जाके चेक किया? नहीं सर। तो पहले जाके चेक करो। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो सब मुझे पता है, आप साइड में रहो, साइड में रहिए सर। रिश्वत के पैसों से बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, लिख दूं क्या? यस सर। हाँ सर, मैं ऑलरेडी इधर ही हूँ सर। ओके सर, ओके। ए कांस्टेबल, डीसी सर आने वाले हैं, सारे क्राउड को हटाओ यहाँ से। चलो साइड हटो, साइड साइड हटो, हटो हटो हटो, साइड हटो, चलो। देखिए आप लोग, आप उससे डरिए। वहां है सर। ये खून किसी साइको किलर ने किया है सर। पशुपति? यस सर। इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते रहो, एक्यूज्ड कौन है ये मैं डिसाइड करूंगा। ओके सर। बाहर जो चैनल 9 वाले हैं उन्हें अंदर भेजो। मैडम आपके चैनल को अंदर। ओके, एक बाइक ले लेते हैं फिर चलते हैं। सर, वेला स्वामी इधर आओ। उस लड़की ने डीएसपी के साथ पढ़ाई की है क्या? हमें नहीं पता सर। वो जो छापेंगे वो न्यूज़ है और हम लोग लूज हैं। अब ये बातें हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? सर, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नेम प्लेट पे लिखा हुआ है वी स्वामी। तुम्हारे पिताजी का नाम वेलू स्वामी है क्या? जहां तक हमारा सोचना है, ये पारिवारिक झगड़ों की वजह से खून हुआ है। अभी इस केस का FIR दर्ज करके हम। सर, एक आदमी ऊपर घायल तड़प रहा है। पशुपति, एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। हेलो आयुष हॉस्पिटल, हाउ मे आई हेल्प यू? ये 108 है ना? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। क्या रॉन्ग नंबर है? मैंने तो सही नंबर डायल किया है। सॉरी सर, ये आयुष हॉस्पिटल है। कुछ भी हो, हॉस्पिटल तो है ना। मैं सही पशुपति बोल रहा हूँ, इमीडिएटली एम्बुलेंस चाहिए। सॉरी सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है सर। हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ एक आदमी तड़प रहा है, इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजो, क्विक। पशुपति, वो जख्मी आदमी ऊपर निकल गया, अब उससे कोई फायदा नहीं, एम्बुलेंस को छोड़कर सेमेट्री बुलाओ। क्या रे, क्या हो गया? अरे यार, जो भी 108 डायल कर रहा है उसका कॉल यहीं पर आ रहा है, अभी पुलिस का फोन था, एम्बुलेंस के लिए बोल रहे थे। अगर ऐसा है तो MD को कॉल करके बताना। मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलने वाला, देखो मैं ऐसा ही रहूंगा और हमेशा की तरह तुम चुप बैठो। हेलो सर। हेलो। हर 10 मिनट में मुझे मैसेज आना चाहिए, कितनी बार बोलूं मैं ये? सॉरी सर, वो मैं काम में थोड़ी सी बिजी हो गई थी सर। क्या बिजी हो गई थी? हा? तुम्हारा वर्क ही यही है, हर 10 मिनट में मुझे मैसेज आना चाहिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, वो पुलिस का। हेलो हेलो। नसीब है चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। जाओ खाना खाओ, जाओ।
ब्रेकफास्ट रेडी है। मैम, मैं दीपक बोल रहा हूं, आप कैसी हैं? हे, कितनी बार बोलूं मैं, ये हिंदी चैनल रिचार्ज मत किया करो। हाँ, अगर दोबारा इस घर में किसी ने ये सब देखा तुम लोग कभी टीवी नहीं देख पाओगे। इतने सालों से मुंबई में हूं लेकिन किसी अपने ने मेरी मदद नहीं की। अगर आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूं तो ऐसे ही नहीं बन गया हूं। बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत मेहनत भी की है मैंने। अगर लोगों को मेरी तरह बनना है तो उन्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पिताजी का समय अच्छा था कि मर गए बेचारे, वरना उनको अपने हाथों से मार देता मैं। उन्हें पता था कि मैं टीवी वगैरह पसंद नहीं करता लेकिन नाटक करके मेरे गले बांध दिया तुम्हें। तुम एक्ट्रेस हो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। अगर मुझे फिल्में देखने का शौक होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा फ्रॉड था। थैंक्स टू योर फादर द ग्रेट मॉडल कोऑर्डिनेटर, आज उसकी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूं। वो मैसेज किसके है जरा देखना। ये क्या है? आई लव यू का मैसेज आया है, ये क्या चल रहा है, कौन है ये? हाँ, शो मी, लेट मी सी, शो मी। कुछ नहीं है, ये हॉस्पिटल स्टाफ, न्यूली जॉइंड, और कुछ नहीं, जस्ट अ इन्फेक्चुएशन। बट इट इज, बट व्हाट, सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ए बुड्ढी। जी साहब। इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक डोसा बनाने नहीं आया तुम्हें? शिवा, देखो जरा कौन आया है, योर मेल हेटिंग फ्रेंड द ग्रेट जर्नलिस्ट। अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। जेम्स, लिसन, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। क्या समझते हो कि तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा? आई विल रूइन योर लाइफ, आई हैव पीपल टू डू इट फॉर मी। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई। सुबह सुबह एक जगह मर्डर हुआ था, वहां गई थी। दो लोगों का बड़ी बेरहमी से किसी ने खून किया था। ये क्या है, सुबह सुबह शुरू हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हे शिवा, डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ए माँ, टमाटर उधर रख दिया, ले ले। जरा सुन, तूने बादशाह भाई से 15,000 उधार लिए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तू मुझसे झूठ बोल रहा है? तेरे पिताजी ने लोगों से जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए मैं अब तक 4 घरों के बर्तन धो रही हूँ। अगर तू भी ऐसा करता रहा तो मुझे बर्तन ही धोने पड़ेंगे। अरे माँ, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? माँ जा रही हूँ। अरे रुक बेटा, कुछ खा के जाओ। सुनना। नहीं माँ, कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी। मैं तुम लोगों के लिए सुबह सुबह नाश्ता बना के रखती हूँ कि हम सब साथ में खाएंगे। अगर नहीं खाना था तो पहले बताती। ये लड़की भी ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है? क्या तुम्हें बताओ कहाँ जाती है फिर वो? पिछले हफ्ते केवल टीवी वाले लड़के के साथ बीच पर घूम रही थी, रमेश ने मुझे बताया। सुनो, चुप करो, खबरदार दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। चिड़िया को कुछ बोलो तो बड़ी चिड़िया को गुस्सा आता है। क्या क्या कहा आपने? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खून मेरे जैसा ही होगा। जाओ नाश्ता करो। भंगार, सच्ची बात कहने का तो जमाना ही नहीं रह गया है, जिसको कहो गुस्सा ही हो जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो है। किसका ऑटो है? क्या किसका ऑटो है? अरे ये हमारा ऑटो है, ये ऑटो हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा।
ऑटो चलाकर पैसे कमाने की बात छोड़ो, वो केबल के काम का क्या हुआ? अरे छोड़ो, केबल का काम कोई कलेक्टर का काम है क्या? जब देखो खंबे पर चढ़ो उतरो, बहुत रिस्क है उस काम में, इसलिए वो काम छोड़कर मैं ऑटो चलाने लग गया। वहाँ काम करते थे तो कम से कम पगार तो मिलती थी। महीने में 10,000 ये कोई पगार होती है क्या? ये ऑटो चलाकर कितना पैसा कमाता हूँ ये देखना तुम। पहले सिक्योरिटी में काम किया, फिर केबल में काम करने लगे और अब ऑटो चलाने लगे। इतनी पढ़ाई की है तो कोई जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते तुम? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझोगे तुम? हाँ ओ प्रिय, ये भाषण बंद हो गया तो अब चलें क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं चर्च के बाहर हूँ और किड्सन अंदर प्रे कर रहा है। चर्च में? लेकिन बगल से तो कुछ और ही आवाज आ रही है। कौन है वहाँ? झूठ मत बोलो, कहाँ हो तुम? I'm at the church, damn it. Huh? Damn it. Shiva, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। Hi, I'm James. Shiva. मेडिकल टूरिज्म कर रहा है? हेलो, अभी 10 मिनट के बाद सर का फोन आएगा तो कहना मैं अभी आई हूँ। हाँ। अगर मुझसे बात करनी है कहेंगे तो कहना मैं नहा रही हूँ। हाँ। अगर दोबारा 10 मिनट के बाद फोन करेंगे तो कहना मैं सो रही हूँ। ठीक है मालकिन। सो आज तुमने क्या प्रे किया? एक विक्ट्री नाम का बैट्समैन है, सुपर बैट्समैन है, वो बीमार होना चाहिए ऐसा प्रे किया। तुम्हारी टीम जीत जाए ये प्रे करना चाहिए था। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बिगाड़ने के लिए प्रे करना गलत बात है। तुम हार्ड वर्क करो, जीत तुम्हारी होगी। हेलो, कैसा लग रहा है मेरा लुक? सत्या, हा? वो जो मर्डर हुआ है मुझे नहीं लगता फैमिली इश्यूज की वजह से हुआ। लगता है जरूर उस साइको किलर ने ही ये खून किया होगा। देखो मालनी, इस खून वाले केस को लेकर होम मिनिस्टर काफी फजीहत कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि ये साइको किलर का काम है तो कहानी खत्म। इसलिए तुमने ये बता दिया कि ये फैमिली इशू था, कुछ और भी तो बता सकते थे ना? जिसकी डेथ हुई है उसका बेटा फॉरेन में रहता है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमने उसका नंबर ढूंढा और उसे फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन कट कर दिया उसने। दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ। तो सोच लो इनके लिए कितना प्यार उसके मन में होगा। इसलिए मैंने पारिवारिक झगड़े का नाम दे दिया ताकि वो न्यूज सुनकर भागा चलाए। इतना ही नहीं, उस घर में रहने वाले 3 सदस्य हैं, लेकिन वहाँ बॉडी मिली सिर्फ 2 लोगों की। जल्द ही ज्वाइन हुआ सिक्योरिटी मिसिंग है। मुझे सिक्योरिटी वाले के ही ऊपर डाउट है। इन केस अगर मेरा डाउट सही है तो सिक्योरिटी वाला जरूर आएगा। कितनी बार बताऊं, मैं इंफोसिस ट्रेनिंग की मैनेजर हूँ। बॉस आ गए, बाद में बात करती हूँ। आइए मैडम। आओ बेटा। अभी तक उस घर के लिए कोई किरायेदार नहीं आया क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम, लोग देख के चले जाते हैं, पर इस घर का जो ब्रोकर है वो बहुत अच्छा इंसान है। अब कैसी हूँ माँ? मैं ठीक हूँ। किस्टन, पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैच है, घर जल्दी जाना है मुझे। हाँ जल्दी जाएंगे। क्या बेटी, जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा रहता है, क्या बात हो गई है? वो एक दिन भी हम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, और घर पर भी शांति नहीं है, रोज रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। इन सब की वजह तुम्हारा पति है। मम्मी मम्मी चलो ना, चलते हैं। किड्सन, बाहर जाकर वेट करो। शिवा, मेरा गुस्सा अपने बच्चे पे क्यों उतार रही हो? मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, क्या वो गलत था? अगर मुझे मर्जी से पढ़ने देते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। एक बात साफ कहती हूँ माँ, जैसा पिता मुझे मिला है वैसा पिता किसी को भी ना मिले। तुम्हारा ये कैमरा लेकर घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसी लड़कियों को कैमरे के पीछे नहीं बल्कि हमेशा कैमरे के आगे की तरफ होना चाहिए ताकि तुम्हें सही एक्सपोजर मिल सके। You got it? तुम चिंता मत करो बेटी। नित्या 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 नित्या, ए नित्या। हाँ मैडम। कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुम्हें? 1000 बार तुमसे कहा है काम के वक्त फोन पर बात मत किया करो। मेरे सामने माँ तुझे 10 बार पुकार रही है तो मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती होगी? शिबा, जाने दे मत डांट। नित्या जरा वो बैग ला कर देना। तुम ही इसे सर पर चढ़ाती हो। जाने दो,
नित्या शिवा को कवर दे दो। कैमरे को ठीक करने के लिए कई जगहों पे दिया लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। थैंक यू माँ। ए, ए, माइक को हाथ मत लगाना। ए, ए, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, माइक नहीं दूंगा। देना। ए, मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ए, चल ले, चल सर, हट। ए, डक्का नहीं मारने का। ए, अरे क्या है ये? फुटबॉल खेलने वाली जर्सी है ये, और तू ये लेकर चला आया? अरे ये खरीद कर थोड़ी ना लाया होगा, फुटबॉल टीम प्लेयर से भीख मांग कर लाया होगा। तुमने मुझे 1000 रुपया दिया उसे टी शर्ट खरीदूंगा क्या? ए, जो 1000 रुपया दिया उसका ताना मार रहा है क्या? ए भाई इसको पैसे दे दे, हम लोग चलते हैं। मैं नहीं दूंगा। ए, अरे क्या हुआ, 1000 रुपया दिया तो ये मुझे ताना मार रहा है, इसको और पैसे दे दे, हम लोग निकलते हैं। चल निकल। कैसी बातें कर रहा है, मैंने तेरे लिए पैसे जमा किए और तू मेरा ही जेब खाली करवाने के पीछे पड़ा है। चल जा, तू खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं मजाक कर रहा था, चल इधर आ। अगर तेरे साथ और रहा ना तो तू मुझे बेच देगा। अरे क्या यार, ये समझता ही नहीं है। रायबरम टीम ने 8 ओवर में 110 रन बनाए हैं। अब पटना पाकम वेल टीम खेलने जा रही है, स्टंप तैयार कर रहे हैं। दोनों टीम काफी टक्कर की टीम है, यह टीम भी काफी अच्छे तरीके से खेलेगी। देखिए पटना पाकम टीम से जोरों का छक्का मारा जा रहा है, इनके इस तरह के खेलने से लगता है कि दूसरी टीम हार जाएगी। ये सामने पीली टी शर्ट पहने खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अब ये देखना है कि पटना पाकम की टीम जीतेगी या रायबरम की टीम। टक्कर बहुत ही जोरदार है, खेल का मजा लेते रहिए और तालियां बजाते रहिए। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो थोड़ा ऊंचा हो और थोड़ा कलरफुल भी, नॉर्मल गोरा हो तो भी चलेगा। हे, तू शादी करके क्या कर लेगी? हाँ एक के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारेगी क्या? मुझे तो ये शादी वादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तुम शादी जरूर करोगी। सच में नहीं करूँगी। लव यू बेबी। लव यू टू। हाय शिबा। हाय। हे फोटोग्राफर, एक हमारी भी फोटो खींच लो। ओह श्योर। लुक शिबा, तुम्हारे लिए एक्टिंग का बहुत अच्छा मौका है। एक्शन। हमारी शादी नहीं हो सकती वीरू। कमिंग फॉरवर्ड। तो मैं वो करूंगा जो मजनू ने लैला के लिए किया था। इमोशन। रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। थोड़ा सा और इमोशन। क्या किया था? सुसाइड, सुसाइड। इस तरह से एक खिलाड़ी आउट हो गया है, अभी रिक्त भी खेलने आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और अपने टीम को सहारा देंगे। शाबाश शाबाश। और इस तरह से बहुत अच्छा शॉट मारा है, सीधा 6 रन। ए बैक बैक थ्रो बैक। मार 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 मार। और इस तरह से एक और सिक्स। अरे मार यार मार। ए देखा ना क्या सिक्स मारा उसने। ए ए मुझे खेल रहे हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं बैटिंग पे। जहाँ बैठे हैं ना उस जगह पे बॉल आकर आपको लग सकती है। मैम मैं दीपक बात कर रहा हूँ। इस तरफ देखिए मैम, इस तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। मैं तुमसे बात क्यों करूँगी? मुझे बात नहीं करनी है, फोन रखो। अरे सुनो, कहा ना मत रो, मुझे पता है सब कुछ। अच्छा लड़का है। जो भी बातें हैं बाद में करेंगे, अभी चल यहाँ से, आ जा। माँ। ये ले। माँ। ये भी ले। ये क्या? तुम पहले यहाँ से चलो। चलो बेटी। अरे कह रही हूँ ना चलो। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मैंने कहा ना पिताजी, पिताजी जाओ, मैं उनको संभाल लूंगी। मेरी बेटी की खुशी सब कुछ है मेरे लिए, इसे लेके जाओ, अच्छे से रखना इसे। जाओ। We'll be right back.
गुड मॉर्निंग सर। क्या रे, ये कलर ड्रेस पहनकर आया है? आज बर्थडे है क्या? मफ्टी है सर, आपने तुरंत आने के लिए कहा था इसलिए ऐसे चला है। किसी की मैयत में आया है क्या? और उस मर्डर केस का क्या हुआ? सर उस केस में अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। तो फिर? सर वो खूनी कोई भी एविडेंस छोड़े बिना एक के बाद एक खून परफेक्टली कर रहा है। यहाँ तुम उसकी तारीफ करने आए हो क्या? तो फिर इस डिपार्टमेंट में काम ही क्यों कर रहे हो तुम? कब पकड़ोगे उसे ये बताओ। सर मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, बहुत जल्द पकड़ लूंगा। तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा उसके साथ हाजिर हो जाऊंगा। कौन है रे ये? ऐसे आया है और बिना इज्जत दिए चला गया? तो फिर मैं यहाँ मंत्री बन के क्यों बैठा हुआ हूँ? ओए, ऐसे खाली हाथ क्यों चली आ रही हो? दूध का गिलास कहाँ है? अच्छा, तुम्हारा ऑटो कहाँ है? ऑटो ही तो बेचकर लोगों को खाना खिलाया ना। लोगों ने कहा था कि तुम उनको खाना खिलाओ, या मैंने तुमसे कहा था कि ऑटो बेचकर ये शादी करो? ए, शादी के लिए करना ये सब रिवाज है और ये सब करना ही पड़ता है। तो फिर कल घर चलाने के लिए क्या काम करोगे? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा, तुम उन सबकी चिंता मत करो। मैं चिंता ना करो, तुमने तो 10 बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा करके रखे है ना? 10 करोड़ जमा करके रखे ये सोचकर तुमने मुझसे शादी की है क्या? तुमने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं ये सोचकर मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ विक्ट्री, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने आई हूँ। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों तुम इस बात को सीरियसली ले रही हो? ठीक है चलो टाइम हो गया, बाकी बातें कल सुबह कर लेंगे। कहाँ लेकर जा रहे हो? ए, अपनी फर्स्ट नाइट है यार। जिसके पास काम धंधा नहीं उसकी फर्स्ट नाइट भी नहीं। पहले जाकर काम धंधा करो, पैसे कमाओ, उसके बाद फर्स्ट नाइट के बारे में सोचना, ठीक है ना? क्या भाई सिर्फ बैट पकड़ कर बैठे हो? अगर मुझे दोगे तो मैं खेलूंगा ना। काम का नहीं है यार। भाई बस 5 लाख रुपए हो जाए ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। भाई और समुद्रन का कर्जा चुक जाए ना तो उसके बाद मस्त अपने एरिया में एक मोबाइल शॉप डाल के बैठ जाएंगे। कितना? 5 लाख रुपया। 5 लाख? इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले। देख लो कोई देगा क्या। अरे यार तू कहीं भी जाके अच्छा काम कर सकता है, फिर लोगों से उधार लेने की बात क्यों कर रहा है? ए पागलो जैसी बात मत कर, आजकल 15,000 की नौकरी में कोई दांत भी नहीं घिस सकता है, कुछ तो बड़ा हाथ मारना ही होगा यार। यार विक्ट्री अपने भाई के पास कितना पैसा तुमने देखा है ना, उसके पास पैसा कहाँ से आया? रियल इस्टेट, घर का ब्रोकरेज, ट्रेवल्स, कार का सेल्स, ये सब करके उसने इतना पैसा कमाया। तुम्हें भी अगर पैसा कमाना है तो उसका असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? एक बार काम सीख लो फिर अपना अलग धंधा शुरू कर देना। यार तू क्या बात कर रहा है यार, एक तो मैं पहले उसे 15,000 रुपया कर्ज ले चुका हूँ और अभी कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊंगा? मेरे पास एक आइडिया है, पल्लीकरण में एक जगह कचरे का ढेर है, वहाँ बहुत सारे पुराने सामान यूं ही पड़े रहते हैं, अगर हम उन्हें बेच दें तो हमें बड़ी आसानी से काफी पैसा मिल सकता है। वो सुधाकर है ना, ये करके अभी दुबई में है। वो सब तो ठीक है लेकिन अंदर कैसे जाएगा? सिक्योरिटी वाले को पैसे खिलाकर सेटिंग कर लेंगे। समझता नहीं है यार। अगर पैसा मिलता है ना तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बादशाह भाई से मिलना पड़ेगा। ए, इस काम के लिए तो हेल्प करना यार। ब्याज पर लिए पैसे की वजह से एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ठीक है कल शाम को मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ओके और भाई कहाँ जा रहा हूँ? ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर ब्याज लेते ही क्यों है? ब्याज के पैसे वसूलने में कितनी मेहनत लगती है पता है? आज उसकी अच्छी क्लास ली, वेलो भाई ने दिया कस के उसको, 3 दिन में पैसा देगा ऐसा बोला। भाई उदास दिख रहे हो। गजो के हाथ से स्लिप हुआ मल्ली का नंबर लेकर 6 महीने से गिल्ली के हिसाब से मल्ली के अकाउंट में 60,000 डाला था और एक हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट लेकर रखा। बीच में किसी कमीने ने मुझे पता भी नहीं चला और मेरे फोन से नंबर लेकर साइकिल गैप के अंदर ले जाकर ऑटो पार्क कर दिया। ए, सब लोग फोन नीचे रखो। ए, मल्ली ने जो नंबर दिया उस पे फोन करो। तेरा फोन है क्या? तेरा है? नहीं। तेरा है? नहीं भाई। तेरा है? मल्ली ने पहले सेटिंग किया और तू उसके ऊपर नजर डाल रहा है? मुझे पहले ही शक था कि तू ही होगा। शक था मुझे। आज के बाद मल्ली के बारे में सोचना नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मेरे पास आता करता है, मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। भाई देखो, बहुत हो गया। एक तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। नाटक करेगा मेरे साथ, नाटक करेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जाएगा कहाँ भाग के? तेरी तो अबे जोश दिखाना था तब तो दिखाया नहीं, क्या, क्या, क्या करेगा दिखा के? जानदार नहीं किया, अरे जानदार लखो। ए तेरे को छोडूंगा नहीं, मैं छोडूंगा नहीं।
खैर कौन थी वो फोन पर? कौन थी? कौन? दोपहर में जब आपने नंबर लेने के लिए फोन किया था तब आपसे कौन लड़की बात कर रही थी? क्यों जानना चाहती हो तुम? वो मेरा पर्सनल है, उसमें टांग मत अड़ाओ। एक गैर लड़की आपसे आई लव यू कहेगी और मैं चुपचाप बैठूंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी हूँ? देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें अपडेट नहीं कर सकता मैं, समझ गए ना? क्यों? मुझे हक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पूछूं। कुछ भी मत पूछो। You are not my wife. You are just a public face. और हाँ, 7 सालों से तुम्हें झेल रहा हूँ, अब और नहीं झेलना चाहता, समझ गए? और नहीं झेलना चाहता। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। सिर्फ नाम की बीवी, नाम की वाइफ। मैं सिर्फ तुम्हारी नाम की बीवी हूँ, शायद इसलिए तुमने कभी मेरी इज्जत की ही नहीं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। My mother, she's bedridden. मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ की देखभाल अच्छे तरीके से करूँ, लेकिन इसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं अपने मन से हंस नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। पता नहीं मैंने क्या पाप किए। शादी के बाद सिर्फ दो साल मैंने तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी जी है। पिछले 8 साल में एक बार भी तुमने मुझसे प्यार से बात की है या मुझे बाहर ले जाकर मेरी मनपसंद चीज दी है? चुप करो, क्या चिल्ला रही हो तुम? देखो ये देखो, the mirror never hides, अच्छी तरह से देखो। अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर के गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाहर घूमने जाना है, बाहर घूमने। मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो चल हट बोलकर छोड़ देती। तू एक बार हाँ तो बोल के देख, तेरे हस्बैंड के खिलाफ मैगजीन का कवर पेज बनवाऊंगी मैं और लिखूंगी कि दहेज के लिए ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करता रहता है। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू उससे डिवोर्स ले ले, छोड़ देना उसे। मैं अकेली होती तो बात अलग थी, लेकिन डिवोर्स लेकर मैं किटसन को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू क्या अनाथ है? तेरे माँ बाप नहीं है? उससे डिवोर्स दे और बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली जा। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं दीपक बात कर रहा हूँ। क्या आप अपने फ्रेंड के घर में हैं? तुम्हें कैसे पता? वो मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आई कम इन? क्यों क्यों? डरिए मत, एक छोटी सी बात है, बात करके चला जाऊंगा ना। नहीं, ये मेरे फ्रेंड का घर है। मैम, मैं सेल्समैन बनकर आऊंगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जरा देखना कौन है। हाय मैडम। कौन है वहाँ? TNC शॉप से आया हूँ मैडम। कुछ नहीं चाहिए बाबा, आप जाइए। बॉडी को स्लिम करने के लिए एक बेल्ट भी है, वेजिटेबल कट करने के लिए वेजिटेबल कटर भी है, कॉफी बनाने के लिए कॉफी मेकर है और चपाती बनाने के लिए चपाती मेकर। इनसे बात करने लग जाओ ना तो अपना प्रोडक्ट बेच कर ही जाएंगे। क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे फ्रेंडशिप करनी है, इफ यू डोंट माइंड क्या हम बाहर कॉफी पी सकते हैं? मैं कहीं नहीं आ सकती। ठीक है कोई बात नहीं। वेट 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 वेट, ये लीजिए। ये क्या है? देखिए तो सही। हे, मुझे लगा था मैंने इसे खो दिया, तुम्हारे पास कैसे आया? थैंक यू। आप फोटो खींचती हैं ना? रियली यू आर वेरी टैलेंटेड मैम। फिल्मी बातें मत करो। देखिए फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ। शिवा, चाय तैयार है, आकर ले जाओ तो। ठीक है मैम, आपको फोन करूंगा, चलता हूँ अभी। डॉक्टर कोमाक्षी सुंदरम, कोमाक्षी सुंदरम हो गई। ओके, लिखने के लिए अच्छा है।
क्यों प्रिया आ गई, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, आपसे मिलने आई हूँ। क्यों, जब से पैदा हुई हो अंकल को नहीं देखा क्या? मजाक मत कीजिए ना अंकल। ठीक है, नहीं करूँगा। पिताजी ने डांटा क्या? नहीं अंकल। भाभी ने कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो ऑफिस में। ऑफिस में क्या? ऑफिस से बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्यों, काम बहुत ज्यादा है? नहीं, मेरा एमडी है ना, बहुत टॉर्चर करता है। जब देखो मुझे गालियाँ देता रहता है। हर 10 मिनट में मुझे फोन पर मैसेज भेजने को कहता है। फोन करके आई लव यू कहने को कहता है। आई लव यू कहने को कहता है? हाँ अंकल, अब तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। क्या नाम है उसका? जेम्स। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? नीलांगरे। ठीक है, तुम जाओ। जाओ, डरो मत, मैं आता हूँ। ठीक है अंकल। मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। जेम्स की रास लीला लिख कर फाड़ दूंगा उसको मैं। हेलो मैम, मैं दीपक। हाँ बोलो। उस दिन मैं आपके फ्रेंड के घर आया था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं। आपके साथ कॉफी शॉप में कॉफी पीनी है। अगर आपको चेन्नई में प्रॉब्लम है तो महाबलीपुरम में एक अच्छी कॉफी शॉप है, वहाँ चले। नहीं, मैं नहीं आ सकती। एक दिन आप जरूर आएंगी, मुझे पता है। सॉरी। हे, क्या हो गया? कहाँ गायब हो गए थे तुम? जाओ जल्दी से ऑटो लेकर आओ। भाई सब जरा पकड़ो। आप पेशेंट के कौन? पेशेंट मेरी माँ है सर। उनको पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं सर। उनके हार्ट में 2 ब्लॉक है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप पेशेंट का नाम बताइए और 60,000 रुपए कैश काउंटर पे जमा करवा दीजिए। 60,000 रुपए कल सुबह 10 बजे तक जमा करवा देंगे तो भी चलेगा, तब तक उनको ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। तुम चाहो तो साथ में रह सकते। ठीक है सर। वो सब मैं देख लूंगा, तुम माँ का ख्याल रखो। ये लो, ये पैसे रखो, मैं जाकर आता हूँ। हाँ बोल विक्ट्री। अरे यार कहाँ है तू? यार ऑफिस से निकला हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ सुगम हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तू यहाँ आ सकता है क्या? ए, ये तू क्या बोल रहा है यार? तू फोन रख, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। हेलो मिस्टर विक्ट्री, How are you? जब भी मैं तेरे को फोन करता हूँ तो गायब हो जाता है। ठीक है, लड़के लोगों को भेजता हूँ, उनके हाथ से पैसे भेजूंगा, देना। ओके भाई, भाई जरा मेरी बात सुन। क्या हो गया रे? भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, यहाँ सुगम हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है, कल सुबह ऑपरेशन करना है ऐसा डॉक्टर ने कहा है, इसलिए मुझे 60,000 रुपयों की जरूरत है। अगर आप 60,000 मुझे दे देते हैं तो मैं आपका सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। वाह, 60,000 रुपए! देख मैं तेरे को एक आसान सा आइडिया देता हूँ, तू कहीं से 60,000 रुपए का इंतजाम कर और लाके मेरे को दे दे, वरना तेरी माँ का ऑपरेशन सुबह नहीं हो पाएगा, समझा? तेरा ऑपरेशन होगा, याद रखना। क्या हो गया रे? ए, चल मेरे साथ बताता हूँ। चल बैठ। भाई मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, एटीएम से निकाल के लाया, ये रख ले। 50,000? 2,000 तो मेरे पास भी हैं, दे दूं क्या? तुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे पापा का फोन आ रहा है, एक मिनट रुक। हेलो, बाद में मिलता हूँ। मेरे पास बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, इसलिए 10 रुपए का बिस्कुट खा रहा हूँ। तू भी ना यार भाई, क्या बोलूं? 50,000?
ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जो भी होगा मुझे फोन करना, चलता हूँ। चल ठीक है। त्रिवल्ली केन में 70 साल के बूढ़े आदमी पर बुरी तरह से वार किया गया है। उस बूढ़े आदमी को सुगम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लोगों का कहना है कि ये काम भी साइको किलर का ही लगता है। चेन्नई में पिछले 2 महीनों में 12 ऐसे लोगों को मारकर घायल किया गया है। किसने किया ये सब? और खास बात यह है कि ये घटना सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही हो रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रही है? वो डिस्ट्रिक्ट साहब आ गए। पीछे 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 प्लीज पीछे पीछे जाइए, पीछे जाइए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पीछे प्लीज, अभी नहीं, अभी नहीं। पशुपति सर, चैनल 9 वालों को अंदर भेजो। यस सर। सिर्फ आप अंदर आओ, तुम सब रुक जाओ, चलो पीछे, चलो पीछे। ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सिर्फ चैनल 9 वाले को ही अंदर बुलाया जाता है। हम लोग क्या देखने में रिपोर्टर नहीं लगते क्या? हाँ यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेंगे अंदर। दाढ़ी वाड़ी सेव करो, चेहरे पर बढ़िया से मेकअप करो, कमर तक बाल रखो, चूड़ी पहन लो और जाकर बोलो मे आई कम इन सर। ऐसे नजाकत में बोलेगा ना तो अंदर ले लेंगे तुझे। कोशिश करके देख ले। तू तो भास्कर है ना, तू अंदर जाके डीसी को भस्म क्यों नहीं कर देता? शायद उसे पेन की पावर का नहीं पता। इस बार मैं आग नहीं लगाऊंगा, ज्वालामुखी भड़का दूंगा। चलो साइड उठ जाओ, आइए मैडम। पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक औरत को देखकर पिघल जाते हैं। तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, 9 न्यूज देखो और अपना न्यूज बनाओ। जाओ जल्दी जाओ। 9 न्यूज मालिनी, खाक में मिला दूंगा तुझे। क्या कहा डॉक्टर ने? चिंता की कोई बात नहीं है, आज ही इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। और माँ जी, ससुर जी कैसे हैं? इस वक्त तुम उनके बारे में क्यों याद दिला रहे हो बेटा? छोड़ो उन्हें, मैं बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ। मैं जाकर नहा लेता हूँ, उसके बाद जाकर सुसी का ऑटो लेकर आता हूँ, फिर माँ को लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। सर, अब पेशेंट कैसा है? पहले तुम सेमेट्री वैन को फोन करो। पशुपति सर, बॉडी पोस्टमार्टम में भेज दो। यस सर। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिस में फैक्स। ओके सर। और वो प्रेस वालों को बाहर भेज दो। ठीक है सर। तो फिर इतनी दूर क्यों आई हो आप? मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। अच्छा ठीक है, तो अंदर आकर थैंक्स बोल सकती हो। दीपक, ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्या हो गया? मैं एक जरूरी बात बोलनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कॉफी शॉप के वॉशरूम के कांच के पीछे मैंने पेपर में कुछ लिख कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। वॉशरूम। अगर इस चेहरे को लेकर बाहर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहाँ जा रही है? ए,
मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? मालिनी के घर जा रही हूँ। Hey, what a surprise! बहुत दिनों से पहना नहीं था ना, इसलिए ट्राई किया। अब तुम ऐसे ही रहो, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है। You want me to come with you? No, no, no issues. मैं जाकर आती हूँ। Hi. Hi. ये लो। ये क्या है? तुम बाइक पर बैठोगी, इसलिए फेस पर बांध लेना। हेलो। हेलो मैम, कब से तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है? एक्चुअली मैम, मैं जहाँ पर था वहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। एनीवे, डिनर कंफर्म है ना? आपके फ्रेंड के घर पर ही हमें मिलना है ना? वो मुंबई नहीं गई, यहीं पर है। डिनर वहाँ नहीं है, मैंने दूसरा एड्रेस लिख कर रखा है, तुमने देखा नहीं क्या? पेपर में तो आपके दोस्त के घर का एड्रेस लिखा था ना। ठीक है, मैं दूसरा एड्रेस बताती हूँ, नोट कर लो। एक मिनट। नंबर 19 मलर तिरु सूर्यानगर तिरुवानी। 10 बजे के बाद वहाँ जाना और दरवाजे की बेल मत दबाना, आकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। हाँ, और एक बात, आते समय बाइक पर मत आना, वो बाइक की आवाज आएगी। ओके ओके। हेलो मैडम। नित्या, कहाँ है तू? माँ को देखने के लिए घर पर जा रही। नहीं, तुम मत आना आज, मैं माँ के पास रुकूंगी। ठीक है मैडम। शिभा, तुम इस वक्त यहाँ बेटी? हाँ, वो मेरे पुराने फोटोज है ना, उन्हें सब रीअरेंज करना है। जेम्स को बताकर आई हूँ, तुम रेस्ट करना। मैं ऊपर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुलाना, ठीक है? हेलो। हाय मैम। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ सो रही है। एकदम सुपर अरेंजमेंट किया है आपने। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? थैंक्स। मेरे साथ डिनर करने के लिए फिर से एक बार थैंक्स। कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, इसलिए रिस्क लेकर ही अरेंज किया है। क्या मैं सिर्फ आपको शिबा बुला सकता हूँ? शिबा, आई लव यू सो मच। क्या हुआ शिबा? कुछ नहीं। हम दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगे ना, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा तुम्हें। जल्दी खाना खाओ और निकलो। ऊपर बेटी, शिवा,
शिवा बेटी। शिवा, शिवा, ये ऊपर क्या गिरने की आवाज आ रही है? बेटी, देखो ना। आप इसे पहले से जानती हैं क्या? वो बैग इसी का है क्या? ये आपका है? जरा देखिए इसे। मैं इसे जानता हूं, इसे कहीं तो देखा है मैंने। ये बहुत ही खतरनाक गैंग का आदमी है, लेकिन ये आपके घर में क्या कर रहा है? मैडम, 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 देखिए आप डरिए मत, मैं ये सब संभाल लूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? जिसके लिए ये आया था मैं भी उसी के लिए आया था। शिवा, ऊपर क्या हो रहा है? नीचे कौन है? मेरी माँ। आपकी माँ ऊपर आ जाएगी, आप जाकर उनको संभालो। अरे जाओ मैडम, अब तक उस फ्रॉड पे भरोसा किया, थोड़ी देर मुझ पे भरोसा कर लो। अरे जाओ मैडम। नहीं माँ, कुर्सी गिर गई थी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, आप सो जाइए। हम चले मैडम। कहाँ? बताता हूँ, आप गाड़ी निकालिए, सोचने के लिए वक्त नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वैसा कीजिए, गाड़ी निकालिए और साथ में वो बैग भी ले लीजिए। प्रिया बोलो बेटी। ऑफिस में उसका बर्ताव मैं सह नहीं पा रही हूँ, आपने कहा था कि आप संभाल लेंगे, लेकिन लगता है आप तो भूल ही गए। नहीं नहीं बेटी, भूला नहीं हूँ, इस महीने में मैगजीन रिलीज का डेट फिक्स हो गया है, इस वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। डरो मत और वहाँ से रिजाइन मत करना, लोग हमें देखकर डरने चाहिए, हम लोगों को देखकर डरे ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा नाम क्या बताया था उसका? जेम्स अंकल। ठीक है ठीक है। मैं एक चूहे को नहीं पकड़ सकता, मेरे बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। इससे अच्छा तो मैं मुंबई में था, यहाँ मैं तुम्हारे लिए आया था, बस एक बार वो साइको किलर मेरे हाथ लग जाए तब उसे पता चलेगा कि मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ। मिनिस्टर के पास जाकर मैंने बोला था, सर वी ऑलमोस्ट गॉट हिम। तो इसका मतलब क्या है? हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता है, इस पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा उस खूनी को और कोई नहीं पकड़ सकता, फिर भी मेरे बारे में कहते हैं मैं एक चूहे को पकड़ने लायक भी नहीं हूँ। कुछ देर चुप रहोगे तुम? मेरी परेशानी भी समझने की कोशिश करो।
घर में मम्मी पापा रोज फोन कर करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कब शादी करेगी कब शादी करेगी। क्या जवाब दूं मैं उनको बताओ? जब देखो तब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी शादी कब होगी बताओ? ए, ए, वहां कहां जा रहे हो? बेडरूम में छुप जाओ। ए, ये लो, ये लो। ए, शूज। शिबा, क्या हो गया? हे, क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? प्लीज बता। जेम्स ने कुछ किया? माँ की तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर क्या हुआ बता ना प्लीज। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है मालिनी। ये तो क्या बोल रही है? उस दिन जो सेल्समैन आया था वही है क्या? पागल है क्या तू? जेम्स की नफरत की वजह से मैंने ये किया। और वो दूसरा आदमी कौन था? पता नहीं। उस डेड बॉडी का क्या किया? वो लेकर चला गया। वहां से लेकर चला गया? पास्ट इज पास्ट, जो हो गया उसे याद करके परेशान मत हो। घर जा और रेस्ट कर, ठीक है? तू ये बात किसी को बताएगी नहीं ना? मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार। मालिनी तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? सत्या। हाँ। कौन था, कौन आया था? फ्रेंड थी। क्या हुआ? मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही थी, मैंने मना कर दिया उसे। मस्त परफ्यूम है। कितनी सारी फोटो लड़कियों की। क्या बात है? कितनी प्यारी। सही है, बहुत शौकीन आदमी लग रहा है। इतनी सारी हसीनाओं की तस्वीर है। बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है ये आदमी। भाई आप गजा भाई को भुला करके इसके साथ दोस्ती कर लो ना। अगर इसके साथ कर लेता तो जेल में सड़ रहा होता और तुम लोग बाहर अय्याशी करते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था भाई। ठीक है, ये सब पैक करके मेरे गोदाम में लेके आ। ठीक है। ये कौन है रे? ये तो अपने एरिए की लगती है। मेरे नीचे 250 लोग काम करते हैं। अब ए ए रुकना, ए ए सुन तो, ए उस दिन सिक्योरिटी का काम ढूंढ रहे थे ना, एक काम है तुम्हारे लिए। नहीं मुझे काम नहीं चाहिए, जाओ तुम। ए ले। ए, हाँ, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। मैं इतना परफेक्ट काम करती हूँ ना कि बॉस मुझे देखते ही घबरा जाते हैं। अब गुड मॉर्निंग मैडम। बगल की दुकान में जाकर आने में इतना टाइम लगता है? तुम्हें जो पगार दिया जाता है वो काम करने के लिए, फोन पर बात करने के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, जाओ। मैडम ऐसे घूमने फिरने नहीं गई थी मैं, काम के लिए गई थी मैं बाहर। अभी आपको मैं बताती हूँ मैं क्या काम करके आई। एक मिनट भाई साहब, आओ 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 आओ। सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए था ना कोई? देखिए मैं लेकर आई हूँ इसे, कैसा रहेगा ये? बिल्कुल सही रहेगा। सर दिस इज माई रिपोर्ट सर। रिपोर्ट ऐसे तैयार होती है।